नमस्कार दोस्तों, साथियों आज की वीडियो बहुत रोचक होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर सिंपल एक शॉर्ट आंसर के साथ ही दिया जाएगा। मतलब कि क्वेश्चन होगा एक क्रिटिकल और उसका सिंपल एक ट्रीटमेंट से ही उसका इलाज हो जाएगा। सिंगल एक पॉइंट पर आपको एक ट्रीटमेंट लगाना है, उसी पे ही आपको मेथी दाना, मैग्नेट या फिर आप प्रेशर दे सकते हैं, आप देखेंगे तभी रिजल्ट मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन है कि अगर फोड़े फुंसी हो तो उसका सिंगल पॉइंट क्या होता है। अगर हमारे शरीर में बार बार फोड़े फुंसी हो रहे हैं, अगर कहीं पे भी फुंसियाँ निकलती जा रही है, तो एक पॉइंट आता है UV65। आप उसको सीडेट कर दीजिएगा, आप देखेंगे उसमें रिजल्ट मिलेगा। सीडेट का मतलब होता है कि येलो मैग्नेट आपको दिखना चाहिए, व्हाइट मैग्नेट आपके स्किन पर लगना चाहिए। अगर आपके फोड़े फुंसी आपके काख में हो जाते हैं, काख के अंदर अगर यहाँ पे हो जाते तो आपका P1 पॉइंट है, उसको सीडेट कर दीजिएगा, आप देखेंगे आपके वहाँ की भी फोड़े फुंसी ठीक हो चुकी होंगी। अगर किसी को अंधेरे से डर लगता है, जैसे कोई बाहर अंधेरे में निकलने से डर लगता है, छोटा बच्चा है या इवन बड़े लोग भी डरते हैं अंधेरे में जाने से, तो एक सिंगल पॉइंट आता है K10, उसको सीडेट कर दीजिए। अगर उसमें रिजल्ट ना मिले तो उसमें एक और पॉइंट ऐड कर लीजिए P7, ठीक है। इन दोनों को आप सीडेट कर दीजिए। अगर किसी को पानी से डर लगता हो, पानी को देखने से उसको भय होता है, जैसे समुद्र के किनारे जाते हैं या नदी देखते हैं बड़ी सारी, जब डर लगता हो तो एक पॉइंट आता है CV22, उसको सीडेट कर दीजिए, या फिर UV12 है उसको भी सीडेट कर दीजिए, या फिर आप दोनों को भी ले सकते हैं। अगर किसी को हवा से डर लगता हो, जैसे ज़्यादा तेज़ हवा आती है, कुछ पेशेंट ये भी आते हैं कहते हैं सर जब पंखे के नीचे सोते हैं तो उसको डर लगता है कि कहीं हवाओं को काट के जा रही है, ठीक है, आप इसमें आप UV12 एक पॉइंट आता है आप उसको सीडेट कर दीजिएगा। अगर किसी को ठंड से भय लगता हो, ठंड जब होती है जो उससे भय लगता हो उसको ज़्यादा ही, ठीक है, घबराहट हो जाती है बार बार रोगी को, तो इसमें भी आप UV12 को ही सीडेट करेंगे। अगर किसी माता बहन के स्तन से दूध ना आ रहा हो, जब प्रेगनेंसी के बाद दूध आने में कमी हो जाती है, बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है, दूध नहीं आ रहा, तो SI पॉइंट आता है, आप उसको सिडेट कर दीजिए, मतलब उसकी ऊर्जा को कम कर दीजिए, आप देखेंगे वहाँ से दूध आना स्टार्ट हो गया है। अगर एलर्जी हो, अगर बॉडी में कहीं पे भी एलर्जी हो, और ये पॉइंट बहुत सटीक पॉइंट है और मैक्सिमम पेशेंट ऐसे ही आते हैं जिनको एलर्जी होती है, और ये सिंगल पॉइंट है SP10 पॉइंट, अब बस इसको सीडेट कर दीजिए, आप देखेंगे अब दोनों जगह कर सकते हैं, आप बियोल पे भी कर सकते हैं, आप ओरिजिनल पे भी सीडेट कर सकते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा, क्रोध आता है, तो उसमें लीवर 2 को, क्योंकि हमारा लीवर ही इन चीज़ को करता है, अगर लीवर ज़्यादा हाइपर एक्टिव होगा, ज़्यादा उसमें एनर्जी होगी तो गुस्सा आता है, तो हमको लीवर 2 को सीडेट कर देना है। अगर किसी को बार बार क्रोध आता हो, फिर शांत होता, फिर क्रोध आता, फिर शांत होता, उसको किडनी की डेफिशिएंसी भी होती है, तो इसमें आप K3 के को भी आप सेडेट कर सकते हैं, उसे भी ठीक हो जाता है। और अनजाइना पेन हो, अगर अनजाइना पेन किसी को आज का हो, या फिर आपके सामने कोई प्रेजेंट पे कोई पेशेंट हो उसको अनजाइना पेन की प्रॉब्लम हो रही हो, अनजाइना पेन क्या होता है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, और छाती में भी दर्द आ रहा होता है, हाथ में भी उसमें दर्द आता है, मैक्सिमम इसमें लेफ्ट हैंड में ही पेन आता है, तो ये दो पॉइंट को आपको लेना पड़ेगा। एक तो लेना पड़ेगा आपका SP4, ये होगा आपका लेफ्ट साइड में, इसको टोनिफाई करना है। टोनिफाई का मतलब होता है कि ये क्या नाम है इसका, व्हाइट पार्ट आपको दिखना चाहिए जो आप हाथ पर लगाएंगे, और येलो पार्ट आपकी स्किन पर लगना चाहिए मैग्नेट का, और P6 को आपको सीडेट करना है, ये आपको राइट हैंड पर लेना है। SP4 तो लेफ्ट हैंड पे, और P6 आपको राइट हैंड पे लेना है। दोस्तों अगर किसी के खून की केमिस्ट्री बिगड़ जाती है, मतलब WBC अगर ज़्यादा कम हो जाते हैं, इसनोफिल अगर कम हो जाते हैं, या उनके प्लेटलेट्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो एक पॉइंट आता है UV17, उसको आप सीडेट करिए, उसको सीडेट करेंगे उसको, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, जब आप देखेंगे जो इम्प्योर ब्लड था प्योर होने लग जाएगा और बॉडी से टॉक्सिन बाहर निकलने लग जाएंगे, UV17 पॉइंट का आपको सीडेट करना है। उसके बाद अगर बोन्स में, अगर किसी की बोन्स में क्या नाम है पावर कम हो, उसके बोन्स में एक तो मोबिलिटी भी कम हो, दूसरा उसमें स्ट्रेंथ भी कम हो, तो इसका UV11 पॉइंट आता है। अब UV11 को आपको हमेशा टोनिफाई करना है, कभी भी इसको सीडेट मत कर देना, यूनि मतलब कि अगर आप इसको सीडेट करेंगे आप देखेंगे उसकी एनर्जी और डाउन हो जाएगी, तो हमेशा
जब भी हम बैक पेन होता है या किसी को कुछ भी बोन रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो हम UB11 लेते ही लेते हैं, ठीक है ना। आप UB11 पे करना है। अब अगर किसी को आपने देखा हुआ डीजनरेशन हो जाता है, मतलब बोन्स में मैक्सिमम ये होता है एज रिलेटेड फैक्टर, जो बड़े आदमी होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको होता है। और जवानों में आपने देखा होगा बोन, अगर बोन सही नहीं बनती है, बोन्स मतलब कि थोड़े टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है या फ्लेक्सिबिलिटी उसमें ज़्यादा आ जाती है, टूट जाते, क्रैकिंग आ जाती है, बिकॉज बच्चे खाते ज़्यादा नहीं है, वो चिप्स कुरकुरे इंच की ओर ज़्यादा जाते हैं, तो हमें UB11, इसमें भी UB11 है, उसको टोनीफाई करना है। टोनीफाई करते साथ कुछ समय लगेगा इसमें, हो सकता है 1 सप्ताह लग जाए, हो सकता है 1 महीना लग जाए, हो सकता है मैक्सिमम 6 महीने लग जाए। हम देखेंगे उसकी बोन्स की स्ट्रेंथ वापस आ जाएगी। और एक बोन मैरो होता है, अगर बोन मैरो किसी का बिगड़ जाती है बॉडी में, तो इस समय आपको K7 पॉइंट को टोनीफाई करना है। UB11 सिर्फ बोन के लिए, K7, और आप दोनों पॉइंट भी इकट्ठे ले सकते हैं, दोनों चीज़ों में आपको और बेटर रिजल्ट मिलेगा। अगर किसी की ब्रेस्ट के नीचे फोड़े हो जाता है, आपने देखा होगा बहुत माताएं बहनों को भी ब्रेस्ट के नीचे फोड़े होता है, और इवन जेंट्स को भी उनके चेस्ट के आसपास फोड़े होने लग जाते हैं, तो एक पॉइंट आता है LU7 पॉइंट आता है, उसको आपको टोनीफाई LU7 पॉइंट को, सॉरी सीडेट करिए, LU7 पॉइंट को आप सीडेट कर दीजिएगा। सीडेट करते साथ आप देखेंगे दूसरे दिन उसका फोड़ा के जो है ना मात्रा, वो कम होती चली जाएगी। और इसको और अच्छा करना है तो GB44 पॉइंट आता है, उसको भी करिए, और GB41 को सीडेट कर दीजिएगा, आप देखेंगे और जल्दी रिजल्ट मिलने लग जाएगा। अगर निप्पल्स में पेन आ जाता है, अब ब्रेस्ट की निप्पल आती है उसमें पेन आ जाता है, हम कई बार डॉक्टर के पास जा नहीं पाते कि क्या कहेंगे कि निप्पल्स में पेन आ रहे हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है, ST34 पॉइंट है उसको सीडेट कर दीजिएगा। ST34 पॉइंट को सीडेट कर दीजिएगा, आप देखेंगे कि निप्पल्स में जो पेन है वो एकदम कम हो चुका होता है। इसके अलावा है कि कुत्ता खांसी, अगर कुत्ते किसी को कुत्ता खांसी बार बार आ रही है, मतलब खांस रहा है और कुत्ते की तरफ देखा हुआ घर घर करके खांस ही आ रहा है, और बिलगम बहुत ज़्यादा आ रहा है, गर्म गर्म आ रहा है, और मतलब कि बोलने में भी थोड़ा अजीब सा हो रहा है, तो LU1 सिंगल पॉइंट है, इसको आप सेडेट कर दीजिएगा। अब सेडेट करेंगे, देखेंगे चौथे से पाँचवें दिन उसकी कुत्ते खांसी में 70 से 80% रिजल्ट मिल चुका होगा। और अगर लंग्स किसी के बहुत कमज़ोर है, फेफड़े बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं, ठीक है ना, और उसको धीरे धीरे अस्थमा की ओर जा रहा है, और लंग्स कमज़ोर के साथ उसको बैक में पेन आ रहा है, लंग्स कमज़ोर प्लस बैक में पेन दोनों चीज़ आ रहा है, तो UB13 पॉइंट को आप टोनिफाई करेगा, क्यों कमज़ोर है हमको उसको टोनिफाई करना होता है। और ब्रोंकाइटिस है किसी को, ब्रोंकाइटिस हो चुका है, और इसमें आप दोनों पॉइंट ले लीजिएगा, 13 भी लीजिएगा और इसमें UB12 भी लीजिएगा, 13 टोनिफाई करना है, UB12 आपको सेडेट कर दीजिए। और इसिनोफिलिया है किसी को, उसमें आप UB17 को सेडेट करिएगा। और अगर गले में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और निगला नहीं जा रहा है, निगलने में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी गले में इतना दर्द होता है, तो उस समय आपको GB39 पॉइंट को सिडेशन कर दीजिए। सिडेशन मतलब कि येलो मैग्नेट ऊपर दिखना चाहिए, वाइट मैग्नेट आपकी स्किन पे लगा होना चाहिए। और खांसी का यह है अगला कि भाई रात को सोते वक्त ज़्यादा खांसी आ रही है, सोते वक्त खांसी आती है, कुछ आपने देखा भी होगा, आप लोगों को भी आती है, सोए हैं सोते हम खांसी आती है। इसका मेनली कारण होता है कि हम पानी कम पीते पूरे दिन में, जब पानी कम पियेंगे तो हमारी बॉडी में हीट ज़्यादा बनेगी, हीट ज़्यादा बनेगी तो हीट ऊपर आएगी, ऊपर आएगी तो यहाँ पर गर्माहट फील करेगी और यहाँ की एरिया को सुखा देगी, तो उसके कारण ही खांसी ज़्यादा आती है। तो सबसे पहले तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिएगा, और अगर जब भी आराम ना हो रहा तो LU2 पॉइंट है, इसको आप सीडेट कर दीजिएगा। सीडेट करते आपको देखेंगे कि उस पे उस एरिया में आपको मतलब गले में आपको आराम मिलने लग जाएगा। छाती में अगर तनाव हो जाए, छाती में अगर तनी तनी हो जाए, भारीपन आ जाए, चेस्ट में कंजक्शन सा फील होने लग जाए, और दबाव सा फील हो कि भाई कोई दबा रहा है, कोई हैवीनेस, कोई भारीपन आ रहा है, तो उसमें H5 एक सिंगल पॉइंट है, आप इसको सीडेट करिए। आप सीडेट करते साथ H5 को आप देखेंगे कि वहाँ पे एकदम ठीक हो गया है। सर्दी जुखाम ज़्यादा हो जाते, कोल्ड कफ ज़्यादा हो जाता है, कॉमन कोल्ड, और आपको पसीना आना बिल्कुल बंद हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग रही है, तो उसमें आप LU7 1 पॉइंट होता है लंग्स का 7 पॉइंट, उसको आप सिडेट कर दीजिए, उसकी ऊर्जा को कम कर दीजिए, आप देखेंगे दूसरे तीसरे दिन वो ठीक हो चुका है। और अगला है कॉन्स्टिपेशन,
हाँ, अगर कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हो रहा है आपकी बॉडी में, भाई आप लैट्रिन की ओर जा रहे हैं और आपको जोर लगा के प्रेशर से ही लैट्रिन आ रहा है, उसके अलावा लैट्रिन आ नहीं रहा है, तो एक पॉइंट है CV-18, नाभि का पॉइंट है, नाभि के ऊपर आता है, आप इसको सेडेट कर दीजिएगा। आप देखेंगे ये भी आपका ठीक हो गया है वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन। इसमें कॉन्स्टिपेशन थोड़ा आपको पेशेंस रखना है, एक दो दिन का खेल नहीं होता, थोड़ा समय लगेगा, और उसके बाद आप देखेंगे ये इसका परमानेंट इलाज आपको मिल चुका होता है। कान में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, कान में क्या नाम है, आवाज़ सी आती है, कान के कारण आपको चक्कर आ रहे हैं, सिर दर्द हो रहा है, तो इसमें दो पॉइंट लेना है, 1 GB का 20 आपको टोनिफाई करना है, GB का 43 आपको सीडेट कर देना है। साथ ही ऐसे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसका एक और मैं पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट ये लगाइए 500 से 600 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो अब मैंने जितने बनाए अगला पार्ट में और ज़्यादा क्वेश्चन मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों।